नवनिर्वाचित सभापति प्रथम बार उपनगर पूर्व के आने पर वार्डवासियों ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर डॉक्टर की नियुक्ति लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है। आए दिन मरीजों को परेशानियां होती रही है। वार्ड पार्षदों द्वारा सभापति पाठक को इस परेशानियों से अवगत कराया तो सभापति ने माननीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा डॉक्टर की नियुक्ति का अनुरोध करेंगे। जब तक डॉक्टर नहीं आते तब तक एम्बुलेंस प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पूर्व में खड़ी रखेंगे, जो तत्काल मरीजों को भीलवाड़ा के निजी एवं सरकारी अस्पतालों में आएगी और इनका इलाज कराएंगे। यहाँ पे सभापति बनने के बाद पहली बार बलमपुर आया हूँ, लेकिन कार्यकर्ता के नाते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हजारों बार पूरा आया हूँ। और यहाँ जो हमने सबसे गंभीर समस्या है यहाँ की, अस्पताल में डॉक्टर नहीं होने की, तो प्रशासनिक कारणों से हम डॉक्टर तो यहाँ पे अभी तक नहीं लग पाया है, लेकिन यहाँ के मरीजों को डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध हो जाए इसलिए हमने ये तय किया है कि यहाँ पे हम एक ऐसी एम्बुलेंस लाके समर्पित करेंगे जो यहाँ के लोग ही उसे संचालित करके यहाँ के जो पेशेंट होंगे उन्हें निःशुल्क रूप से भीलवाड़ा जिस हॉस्पिटल में वो जहाँ चाहेंगे वहाँ छोड़ के आएंगे। नगर परिषद के सभागार में शनिवार को सभापति राकेश पाठक ने पूर्व विभाग के सफाई कर्मचारियों की बैठक ली, जिसमें पाठक ने सफाई कर्मचारियों को शहर में सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से हो, हमारा शहर सफाई में अव्वल है ये सुनिश्चित करना है। गौरतलब है कि उससे पूर्व सभापति पाठक ने पश्चिम भाग की सफाई कर्मचारियों की बैठक ली और सफाई का मंत्र दिया था। उससे लगता है कि राकेश पाठक शहर को स्वच्छ एवं हरा भरा बनाने की प्राथमिकता में है। हमारा उद्देश्य है इस भीलवाड़ा को स्वच्छ सुंदर और यशस्वी बनाना और इस भीलवाड़ा शहर का नाम रोशन करना, वो मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। इसमें सबसे मुख्य भूमिका और जो कर्णधार हैं वो सब आप सभी कर्मचारी हैं। आपके बिना मैं अधूरा हूँ, मेरा और भीलवाड़ा शहर का सब। माणिकलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में हिंदी विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस रविवार के उपलक्ष्य पर शनिवार को कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर महाविद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस सदन की राय में मातृभाषा आधुनिक युग में अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है विषय पर आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता में हेमराज विष्णव ने प्रथम, पल्लवी सोनी ने द्वितीय तथा देशराज रायका ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। मातृभाषा और वैश्विक भाषा विषय पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता में प्रभुलाल प्रजापत ने प्रथम, देशराज राजका ने द्वितीय और हेमराज वैष्णव ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। मातृभाषा में लेखन और अभिव्यक्ति के विषय पर आयोजित परिचर्चा के अंतर्गत विषय परिवर्तन करते हुए हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनीष रंजन ने वैश्विक संस्था यूनेस्को के द्वारा मातृभाषा के शिक्षा और समाज से विस्तार हेतु प्रयत्न पर बल दिया। राजस्थानी कवि मोहन पुरी ने राजस्थानी भाषा व साहित्य गौरवमय परंपरा को लेकर विशेष प्रकाश डालते हुए समसामयिक विषयों को मातृभाषा के लेखन में समाहित करने पर जोर दिया। अतिशयोक्ति उद्बोधन में प्राचार्य डॉक्टर निशा माथुर ने विभिन्न ज्ञान की शाखाओं में मातृभाषा के विस्तार की संभावना बढ़ाने की आवश्यकता जताई। डॉक्टर बी एल आर्य ने मंच संचालन किया और डॉक्टर सविता टाक ने आभार व्यक्त किया। रविवार को निरंकारी भक्तों ने अपने सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जन्म जयंती को निरंकारी चौक में सफाई व पौधारोपण कर मनाया। स्थानीय जॉन के जोनल इंचार्ज संत जगपाल सिंह ने बताया कि सद्गुरु माता सुदीक्षा श्री महाराज की कृपा से दिल्ली मंडन चैरिटेबल फाउंडेशन के सहयोग से 3 दिवसीय कार्यक्रम का आगाज बादाली खेड़ा के पास निरंकारी चौक पर सफाई के साथ ही पौधारोपण कर लिया, जिसमें दिल्ली मंडल के राजस्थान के भवन निर्माण प्रभारी श्याम सुंदर छाबड़ा, जॉन प्रभारी जगपाल सिंह, क्षेत्रीय संचालक संत हरिचरण के सानिध्य में पौधारोपण किया गया। मीडिया सहयोगी लादूलाल ने बताया कि मिशन से जुड़े श्रद्धालुओं को फलदार व छायादार के 25 से अधिक पौधे वितरित कर अपने घरों के आसपास 22 फरवरी को लगाने तथा पौधों की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई। वहीं निरंकारी बाबा हरदेव सिंह महाराज का संदेश देते हुए कहा कि स्वच्छता बाहरी हो या आंतरिक दोनों ही जरूरी है। निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ब्रह्म ज्ञान द्वारा आंतरिक विकारों को प्रदूषण दूर कर रहे हैं, वहीं पौधारोपण अभियान चलाकर बाहरी प्रदूषण बचा रहे हैं।
कोली समाज विकास ट्रस्ट भिलवाड़ा के तत्वाधान में देवनारायण महासप्तमी के समापन समारोह में नगर परिषद नव निर्वाचित सभापति श्री राकेश पाठक का मारवाड़ी साफा बांधकर पंचमुखी बालाजी की तस्वीर भेंट कर अभिनंदन किया। 100 वर्ष पुराने देवनारायण मंदिर पर डोक लगाकर शहर में स्वागत विकास का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर सभापति ने पंचायत भवन कोली मोहल्ला के पास बने महिला स्नानघर के पास महिलाओं के लिए लेट बाथ निर्माण करवाने का आश्वासन दिया एवं पंचायत भवन में भी विकास कार्य करवाने की बात कही। सभापति ने अपने उद्बोधन में उनके और कोली समाज के बाल श्वेता से संबंध होने और कोली मोहल्ले में खेलकूद करते हुए बड़े होने और जीवन में कई यादें कोली खटीक मोहल्ले से जुड़े होने की बात कही। काबरा परिवार की कुल देवी सुषमात माताजी का वार्षिक उत्सव रविवार को आजाद नगर रामधाम के पीछे स्थित काशीपुरी वकील कॉलोनी माहेश्वरी भवन में धूमधाम से मनाया गया। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष मूलत कुचेरा में स्थित काबरा परिवार की कुल देवी सुषमात माताजी का वार्षिक उत्सव आयोजन भिलवाड़ा के सभी काबरा परिवारों का सामूहिक स्नेह मिलन एवं सांस्कृतिक समारोह में शहर के 300 से भी ज्यादा परिवारों ने अपना योगदान दिया। आयोजन की शुरुआत सभी सदस्यों द्वारा कुल देवी को चुंदड़ी ओढ़ाकर की गई। तत्पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम के लाइव प्रसारण के अंतर्गत प्रसिद्ध भजन गायिका मधु काबरा ने माताजी के भजनों की एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुतियां देकर महिलाओं एवं बच्चों सहित सभी सदस्यों को नाचने पर मजबूर कर दिया।